वाहगुण और काकड़ पानी के विषय मुकाबला चल रहा है। अब तक का यहाँ पे खेल वाहगुण के पक्ष में, जो कि उनका स्टार रेडर है एकनाथ, उनको पहाड़ किया है काकड़ पानी का। फिलहाल दीपक ऑलराउंडर खिलाड़ी, अगर एक बार दीपक ले में आ जाएगा तो वाहगुण के लिए खतरा साबित हो सकता है। शायद वाहगुण से ऐसी उम्मीद है कि इस खिलाड़ी को ना लय में आना है ना फॉर्म में। शायद परवीन 13 नंबर की जर्सी में ये खिलाड़ी शायद नेपाल में जा चुका है कबड्डी के खेल से। आज वाहगुण के लिए खेल रहा है, शायद लंबा अनुभव उनके पास भी है। टाइमर कीपर के ऊपर ध्यान होगा देना होगा नंदू, क्योंकि अर्जुन सागर के लिए काफी साल के बाद टाइम खेला कर रहे। टाइम आउट दबाए, कभी कभी टाइम आउट के बाद फिर से मुकाबला शुरू हो चुका है। और यहाँ पे चलता क्या विनेश को रेडर आउट, सिंगल पॉइंट दबाए काकड़ पानी नंदू। आज काकड़ पानी के लिए खेल रहा है नंदू, शायद नंदू के लिए यहाँ पे रेड में पॉइंट लेना जरूरी, वहां पे बोनस का प्रयास किया नंदू द्वारा। लगातार मंगेश पर फोकस कर रहा है, कितना डीप में जा चुका था। और यहाँ पे परवीन के लिए ये मंगेश का जबरदस्त एंकल है, रेड आउट। सिंगल पॉइंट बाय वाहगुण काकड़ पानी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल खड़ी आ चुकी है कि उनके जो स्टार रेडर है वो बाहर जा चुके हैं। अब काफी निर्भर अशोक दीपक तुलसीराम पर है। शायद अभी भी जो खिलाड़ी है वो सभी रेड भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, लेकिन शायद वहां पे टच के लिए गया था। लगातार मंगेश पर अटैक कर रहे क्योंकि मंगेश, लेकिन किरण एडवांस टैकल के लिए गया। दो पॉइंट शायद मंगेश लगातार रेड कर रहे 16 नंबर के जर्सी में मंगेश, जो कि अब तक उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बोनस का शानदार प्रयास, क्या बोनस दिया जाएगा? शायद टाइम आउट लिए। शायद यहाँ पे आखिरी निर्णय क्या हुआ है? टच का दावा, विनेश पर टच किया है। टू आ गए थर्ड एट, चालू करो ना, करो या मरो की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। चालू आ गए मंगेश के लिए यहाँ पे चार। लेकिन यहाँ पे अभी भी दीपक क्षमा में मौजूद है। जब तक दीपक है तब तक मैच है काकड़ पाने के लिए। अगर दीपक को टैकल कर पाएंगे, और यहाँ पे मंगेश काफी फॉर्म में आ चुका है और लगातार मंगेश पर फोकस किया जा रहा है। चार खिलाड़ी मौजूद है, एकनाथ और दीपक का चयन है, नंदू और धव का चयन है, और इस तरीके से चार डिफेंस में यहाँ पर रेड कर रहा है मंगेश। बैक किक जोरदार लगाई, शायद धव पर लगाई थी बैक किक।
क्योंकि काफी जबरदस्त डिफेंडर माने जाते हैं। कागर पानी की ओर से दौड़ नंदू रेड करने के लिए जाएगी, शायद रोका यज्ञनाथ ने कहा मैं जाऊं, मैं उनके साथ पॉइंट लेके आता हूं अपने टीम के लिए। भरोसा दिलाया, क्या भरोसा है कि यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। काफी डिप में जा चुका था, शायद अगली रेड करने के लिए मंगेश का अब तक का खेल काफी शानदार रहा है, देखते हैं। लेकिन अपनी टीम को क्या जीत की ओर ले जाता है या दुविधा में पार सकता है, समय भी आप तय करेगा। फिलहाल यहाँ पे देखते रहे, दोनों टीमों की कड़ी मेहनत चल रही है, काफी बड़ा संघर्ष चल रहा है। शायद इस मैच को जीत पाएगा कहना बिल्कुल नामुमकिन है हमारे लिए। दीपक काफी स्टार रेडर गर्म आ चुका है और वाई जोन की ओर से लगातार पॉइंट बटोरते हुए, लेकिन इस बार रेड में बदलाव किया, चार नंबर के जर्सी में विजय जो भी खतरनाक रेड खाले वापस काले हाथ वापस नंदू रेड करने के लिए दस नंबर के जर्सी में, क्या नंदू के लिए फोकस करेंगे मंगेश, जो कि नंदू और मंगेश काफी जमती है, एक ही टीम में खेला करते हैं, लेकिन बोनस का हल्का सा प्रयास, बोनस को नकारा। रेड करने के लिए जाएंगे विनेश, चार का डिफेंस है काकर पानी के खेमा में, और यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस यज्ञनाथ और दीपक द्वारा, यहाँ पे सारे के यहाँ पर चलता किया विनेश को, यज्ञनाथ को लय में आना होगा क्योंकि सामने काफी बढ़िया डिफेंस चल रहा है। विजय बिल्कुल यहाँ पर तगड़े खेल टैकल करने के लिए तैयार है, जो कि खतरनाक रेडर, लेकिन वहां पे परवीन पर अटैक किया है, परवीन टैकल करने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पे बाजी मारी एकनाथ ने, एक पॉइंट लिया है और यहाँ से मेरे ख्याल से 6 पॉइंट हो चुके हैं दोनों टीमों के। मंगेश लगातार रेड कर रहा है, लगातार सफल होता जा रहा है, यहाँ पे मंगेश को यहाँ पर आखिरी मिनट तक बने रहना है टीम के अंदर, खेमा में खड़े रहना है, लेकिन यहाँ पे बाहर का मित्रों अपनी कहानियों के संग शायद दोनों ने अपने अपने दाएं पेश किए रेफरी के पास, एक बात शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो मैच के ऊपर आपके नजरें होनी चाहिए, बिल्कुल सही ना, सही सही। दीपक दीपक 9 नंबर की जर्सी में रेड कर रहा है वायदुर के खेमा में, अगर यहाँ से दीपक को टेकल कर लिया तो कागड़ पानी दो दाम पड़ सकते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मंगेश शायद मंगेश के आज मंगेश से आज काफी उम्मीदें है वायदुर की टीम से, मंगेश को आज चलना पड़ेगा, क्या कर पाते हैं देखते हैं अभी, चल तो रहा है पॉइंट तो ले रहा है, शायद नंदू पर एक जबरदस्त किक लगाई थी, शायद नंदू पर गुस्सा उठाते हुए, इसमें बीच क्या होगा मालूम नहीं। और यज्ञनाथ रेड कर रहा है, थर्ड रेडर है, और यहाँ पे बोनस टाइम आउट, रेड है थर्ड रेड बाय काकड़ पानी यज्ञनाथ के लिए, यहाँ पर करो या मारो की स्थिति, और यहाँ पे मंगेश का शानदार डबल एंकल हाल्ट।
आज का यहाँ पर सबसे ग्रेट खिलाड़ी किसे कहा जाएगा? मेरे ख्याल से मंगेश। शायद उन्होंने कितने डिफेंस किए, बड़े बड़े डिफेंस किए और रेड पॉइंट तो कहना और गिनती करना हमारे लिए नामुमकिन है। शायद दीपक को चलना पड़ेगा। अगर इस मैच में वापसी करनी है तो दीपक को इस रेड में 2 पॉइंट लाना होगा। 2 पॉइंट तो जरूरी, अगर 2 पॉइंट हासिल किया तो मुकाबला बनता जाएगा। लेकिन वहां पे शानदार डिफेंस, थर्ड रेड सुपर टैकल ऑन करो या मारो की स्थिति पैदा हो चुकी है। सुपर टैकल हो चुका है, यहाँ पे खतरनाक पकड़ा है। टाइम आउट। फुल टाइम ले रहे। चलो 63 लोग ग्राउंड के बाहर निकलो, बीच में ऐसा मत करो। और अब मैच का समय बदल चुका है, ऐसा ही मेरे लोग लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मैच झुकता हुआ वायदुन के पक्ष में और यहाँ पर टाइम लिया जाएगा। अगर यहाँ से 2 पॉइंट लेके गए जाएंगे, 2 पॉइंट लेके जाएगा शायद मेरे ख्याल से टाई होगा ना, नहीं ना टाई होगा ना। 2 पॉइंट लेगा, 2 पॉइंट लिया तो टाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शानदार टेकल किरण द्वारा, इसी के साथ ही मुकाबला लास्ट एंट्री। शानदार मुकाबला जीत लिया।